नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्टीफेंसन लिंक मोशन के बारे में, किस तरह से ये काम करता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो जो स्टीफेंसन लिंक मोशन है, ये हमारा मोस्ट कॉमनली आप कह सकते हैं यूज होता है जो स्टीम इंजन है उनके अंदर, रिवर्सिंग गियर की तरह हम इसका यूज करते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है काफी सिंपल होती है और एक गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टीम भी ये देता है। तो चलिए इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ये तीन आर्म बनाई हैं। ये आर्म कौन कौन सी हैं? अब यहाँ पर ये जो है ओ सेंटर ले लेते हैं, और ओ सी ये क्रैंक है हमारे। तो ये क्रैंक है, यानी कि जो क्रैंक की पोजिशन हमने दिखाई है। इसी तरह से ओ ई ये जो है इक्सेंट्रिक है, तो ये हो गई इक्सेंट्रिक, और इक्सेंट्रिक वन हम इसको बोल देते हैं। इसी तरह से ये जो है ओ ई वन आप इसको बोल दीजिए, तो ये हो गई इक्सेंट्रिक टू, ये इक्सेंट्रिक सेकंड हम इसको नाम दे देते हैं। यानी कि यहाँ पर दो इक्सेंट्रिक का यूज किया गया है और ये क्रैंक है। ये जो इक्सेंट्रिक होती हैं कहाँ पर अटैच होती हैं? ये ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर फिक्स की जाती हैं। ड्राइविंग शाफ्ट कह लीजिए, अगर आप लोकोमोटिव इंजन का केस लेते हैं तो एक्सेल आप कह लीजिए, वहां पर इनको फिक्स किया जाता है। अब ये इक्सेंट्रिक हमें पता है क्या होती है, कि एक तरह का कम्बिनेशन बनाया जाता है ताकि जो हमारा स्लाइडिंग वाल्व है उसको ओपन और क्लोज किया जा सके, उसको स्लाइड किया जा सके, और जो स्टीम है वो इंजन के अंदर जो है पहुंचाई जा सके और कट ऑफ किया जा सके। उसके लिए स्लाइड वाल्व का यूज करते हैं। तो स्लाइड वाल्व को यही चीजें ऑपरेट करती हैं, जैसे इक्सेंट्रिक वन है और इक्सेंट्रिक टू है। अब यहां पर इक्सेंट्रिक के साथ दो रोड लगी होती हैं, जिनको हम इक्सेंट्रिक रोड बोलते हैं। मान लीजिए इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए। ये हैं क्या? ये हमारी इक्सेंट्रिक रोड्स हैं। ये हो गई इक्सेंट्रिक रोड, ये भी ई ए भी और ईवन बी भी, और ये हमारी एक स्लोटेड लीवर से कनेक्ट होती हैं। यहां पर जो है ये स्लोटेड लीवर होता है। स्लोटेड लीवर का मतलब क्या है? कि इसके अंदर एक स्लोट कटा होता है। स्लोट यानी कि जैसे गैप बना होता है इसके अंदर, और इसके अंदर एक ब्लॉक होता है जिसके ऊपर ये पूरा लीवर जो है स्लाइड कर सकता है अगर हम चाहें तो। यानी कि ये जो हमारा ब्लॉक है, तो ये हम इसके ऊपर जो है इस पूरा जो ए भी हमारा स्लोटेड लीवर है इसको हम स्लाइड कर सकते हैं ऊपर की तरफ। यानी कि इसको जो है हम नीचे की तरफ कर सकते हैं, इस बी को हम ऊपर की तरफ कर सकते हैं, पूरा हम इसके ऊपर जो है इसको स्लाइड कर सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये स्लाइड हो सकता है। अब ये जो है सेंटर लाइन जो है अभी जो हमने दिखाई है, ये जो ब्लॉक के साथ अब ये जो कनेक्टेड है ये वाल्व है। अब ये हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की, ये वाल्व होता है, और ये जो रोड है ये हमारी वाल्व रोड होती है। ये वाल्व रोड हो गई। अब यहाँ पे स्लाइड करता है, जैसे अभी हमने मिड पोजिशन पे दिखाया है, ये जो मिड गियर पोजिशन है इसको हम, क्योंकि बीच में है बिल्कुल जो ब्लॉक है, इसको आप बोल दीजिए कि ये ब्लॉक है जो आपने अभी बीच में बिल्कुल रखा है और इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बनाया है, इसको मिड गियर पोजीशन हम बोलेंगे। अब यहां पर होगा क्या, जैसे ही हमारी क्रैंक मूव करती है या कहें कि जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो मूव करती है, तो यहाँ पर ये जो इक्सेंट्रिक है वो मूव करती है। अब इक्सेंट्रिक जो है मूव करेंगी तो ये जो इनके साथ इक्सेंट्रिक रोड है ये भी मूव करेंगी दोनों, और जब ये मूव करेंगी तो यहां पर इसके साथ ये वाल्व कनेक्ट होता है। तो वाल्व जो है हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करेगा। यहाँ पर जो पोर्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए पी वन पोर्ट है, यहाँ पर पी टू पोर्ट है, जहां से स्टीम एंटर होती है उनको ये ओपन और क्लोज करता रहता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे डी स्लाइड वाल्व होता है। तो इस वाल्व को ही ऑपरेट हमें करना है। अगर हम इसको और अच्छी तरह से समझना चाहें, यहाँ पर इस तरह का ये मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर दो एक्सेंट्रिक लगाई गई है, जैसे मान लीजिए ये E1 है और ये E2 है। अब यहां पर ये वाल्व है, ये वाल्व हो गया, ये वाल्व जो है स्लाइड करता है। कब? जब ये रोटेट करती है जो हमारी एक्सेंट्रिक है, और उससे ये कनेक्टेड होती है एक्सेंट्रिक रोड, तो ये इसको अप मूवमेंट देती है, ये डाउन। इस तरह से ये अप जाएगी तो इसको आगे की तरफ धकेलेगी, और फिर से ये जब डाउन आएगी घूमकर तो इसके नीचे ही खींचेगी, नीचे को खींचेगी। तो इस तरह से ये जो है काम करती है, यानी कि ये वाल्व को स्लाइड करने का काम करती है एक तरह से। तो ये एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन हमने समझा है यहाँ पर किस तरह से काम करती है।
तो यहाँ पर इसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ पर हमने ये जो रोड्स यूज की हैं, ये हमने अभी ओपन पोजीशन में की हैं, लेकिन अगर हम जो है इसको क्लोज्ड पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम इसको समझेंगे। अब ये जो है यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा स्लोटेड लीवर है, यहाँ पर ये हमारा कनेक्टेड होता है ये बेल क्रैंक लीवर से। ये हमारा बेल क्रैंक लीवर है, बेल क्रैंक लीवर। अब ये जो लीवर है, इससे हम क्या करते हैं, जो ये हमारा बेल क्रैंक लीवर होता है, ये हमारा जो इंजन जो कहें या फिर जो ड्राइवर कैबिन कहें, तो वहां पर ये हमारी इसकी रोड जो होती है वहां तक जाती है। टू इंजन कैबिन हम इसको लिख लेते हैं कि इंजन कैबिन तक ये रोड जाती है। ये रोड कौन सी है, इसको हम कंट्रोलिंग रोड बोलते हैं। तो ये इसको भी नाम आप दे सकते हैं कि ये कौन सी रोड है, कंट्रोलिंग रोड। अभी इसको कंट्रोलिंग रोड क्यों बोला ये भी जान लेते हैं। अब देखिए, जो ड्राइवर है वो इसको कंट्रोल कर सकता है, इसका जो मूवमेंट है वालू का। हमें पता है यहाँ पर हमें स्टीम को एडमिट करना है और कट ऑफ करना है। तो अगर हम इस मोशन को या फिर इस कट ऑफ को मैनेज करना चाहते हैं, तो ड्राइवर उसको मैनेज कर सकता है। अगर वो इसको एडजस्ट करता है, स्लोटेड लीवर को, मान लीजिए इसको ये जो है नीचे की तरफ कर देता है, इसकी हेल्प से, लीवर की हेल्प से इसको नीचे की तरफ कर देता है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट इस डी पॉइंट से मिल जाए। मान लेते हैं कि उसने इस तरह से उसको नीचे की तरफ किया कि जो हमारा डी पॉइंट है, ये जो डी ब्लॉक था, वो इस ए पॉइंट से यहाँ पर कोइंसाइड कर गया। यानी कि ए और जो डी पॉइंट है यहाँ पर कोइंसाइड कर गए। जैसे डी था, इसने इसको नीचे की तरफ कर दिया, इस पूरे स्लोटेड लीवर को, तो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, हमने पहले जाना था। तो ये ए और डी यहाँ पर आ गए। अब क्या होगा, देखिए, जैसे ही यहाँ पर मूवमेंट होगी, तो पूरा का पूरा मूवमेंट जो है सिर्फ ई ए के कारण ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड पूरा का पूरा सिर्फ यही एक एक्सेंट्रिक काम करेगी। तो ये हम कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो ड्राइवर है वो क्या कर सकता है, इसको ऊपर की तरफ कर दे। ऊपर की तरफ करने का क्या मतलब है, इस तरह से लगा लीजिए कि यहां पर अब ये ऊपर वाला पोर्शन चला गया, यहां पर ये बी पॉइंट डी से कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये हमने बना ली कि ये जो है इसने ऊपर की तरफ कर दिया, बी और डी कनेक्ट हो गए। अब बी और डी कनेक्ट हो गए, इसका मतलब क्या है कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पूरा मोशन है वो इस इवन बी के कारण रहेगा। यानी कि मेनली जो काम करेगी सिर्फ एक एक्सेंट्रिक काम करेगी। तो इस लोटेड लीवर को नीचे भी किया जा सकता है, इस स्लाइडिंग ब्लॉक के ऊपर, यानी कि ए को डी के पास लाया जा सकता है। इसी तरह से ऊपर भी किया जा सकता है, बी को डी के पास लाया जा सकता है। जब ए को डी के पास लाएंगे तो ई ए ही जो एक्सेंट्रिक रोड है वही काम करेगी इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन के लिए। और जब बी को हम डी के पास लेके आएंगे तो जो हमारी इवन बी है यही एक्सेंट्रिक काम करेगी इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन के लिए। तो ऐसा आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है, यहाँ पर जो कट ऑफ हो रही है उसको भी मैनेज किया जा सकता है। जैसे हमने इसको मिड पोजिशन पे रखा है, अब ये पार्टली जो मूवमेंट है वो इससे ले रहा है वालो एक एक्सेंट्रिक से, और जो पार्टली मूवमेंट है वो दूसरी एक्सेंट्रिक से भी ले रहा है। यानी कि दोनों का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर यूज हो रहा है, दोनों की मूवमेंट के थ्रू ही ये वाल्व हमारा रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम कट ऑफ को मैनेज कर सकते हैं, इसके मोशन को मैनेज कर सकते हैं, इस लोटेड लीवर को कहीं पर भी एडजस्ट करके। और यहाँ पर जब ये ए डी से हम इसको लोवर करते हैं और ए जो पॉइंट है डी से कोइंसाइड करता है, इसको हम नाम देते हैं कि जो फुल फॉरवर्ड गियर पोजिशन है, ये इसका नाम होगा फुल फॉरवर्ड गियर पोजीशन। गियर पोजीशन जब ए डी से कंबाइन करेगा, यानी कि आपने इसको लोअर किया, जब बी डी से कंबाइन करेगा तो आप इसको कहेंगे फुल बैकवर्ड गियर पोजीशन। तो ये जो है इनको नाम हम देते हैं फुल बैकवर्ड गियर पोजीशन। तो ये इस तरह से आप इनको नाम दे सकते हैं कि फॉरवर्ड, क्योंकि ये जो रोड है हमारी ई ए, ये फॉरवर्ड के लिए हमारी काम आती है, यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट देने के लिए, फॉरवर्ड रनिंग के लिए काम आती है। और जो ये हमारी ये है रोड, यानी कि जो इस ओ इवन एक्सेंट्रिक से लगी है, ये बैकवर्ड रनिंग के काम आती है। तो इसलिए इसको जो है फुल फॉरवर्ड गियर पोजीशन बोला। जब ये इससे कनेक्ट हुआ और बी डी से कनेक्ट हुआ तो इसको फुल बैकवर्ड गियर पोजीशन बोला। लेकिन अगर ये मिड में हो, मिड पोजीशन में हो, तो इसको हम मिड गियर पोजीशन बोलेंगे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो पूरा जो स्टीफेंसन लिंक मोशन है, हमने देखा किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से एडजस्ट उसको किया जा सकता है इस लोटेड लीवर के थ्रू, और हमने अलग अलग तरह की इसके अंदर पोजीशन देखी। यहाँ पर हम एक और चीज देख सकते हैं।
अब यहां पर देखिए, जैसे ये ओपन रोड अरेंजमेंट थी, हम इसको क्रॉस रोड भी ले सकते हैं। जैसे यहां पर EA थी तो ये जो है फॉरवर्ड के लिए यहां पर काम आ रही थी, जो ओपन रोड बोलेंगे जो हम बाहर बाहर वाली रोड लें। लेकिन अगर हम इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, इस तरह की अरेंजमेंट भी यूज की जा सकती है जिसको हम क्रॉस रोड अरेंजमेंट लेते हैं। तो कोई भी आप अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बुक के अंदर आपको ये भी मिल सकता है। तो ये था हमारा स्टीफेंसन लिंक मोशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।